कहते शनिवार है, लेकिन आज का दिन हमारे सबके आपके लिए बहुत शुभ है। इतना अच्छा मौका, सुनहरा मौका आप सबको मिला, तो दिन अच्छा है ना। तो जैसा कि हमारे पीयूष भाई जी ने बताया, 7 दिन के लिए भी प्रतिज्ञा कर लेंगे कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, तो जरूर है कि उसके स्थान पर प्रेम आएगा, क्रोध नहीं होगा। और शांत शनिवार सोमवार, लेकिन एक 8वां वार है जिसको आप सभी शायद नहीं सोच सकते, वो 8वां कौन सा है? वो परिवार है। तो हमारे लिए सर्वप्रथम परिवार है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं, परिवार को भी सुखी रखना चाहते हैं, तो हमारी दादी जानकी जो चीफ इंटरनेशनल, उनका कहना है कि ना डिस्टर्ब होंगे और ना डिस्टर्ब करेंगे। ना दुख दे और ना, जो परमात्मा ने हमको दिया है, कार्य क्षेत्र में हो, चाहे परिवार के क्षेत्र में हो, चाहे समाज में हो। तो दादी जी का कहना है कि देखो, सबसे पहले है अच्छा कार्य करना, हाईएस्ट करना, हाईएस्ट बनना है, जीवन को भी ऊंच बनाना है, तो सबसे पहले अपने हेड का इस्तेमाल करो, फिर हार्ट का, फिर हैंड का। जहां 3H होगा तो आपकी जीवन हाईएस्ट होगी। तो इसीलिए परमात्मा ने हम आत्माओं को बहुत कुछ दिया है। जैसा कहा, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा नसीब, सब कुछ वाह वाह करते चलिए। जो हमारा रोल है वो भी बहुत वाह है। जब हम वाह वाह करेंगे तो हाय हाय तो अपने आप खत्म होगा। तो मुस्कुराने में कीमत नहीं लगती है। एक भिखारी बनिया की दुकान पर गया, उससे गुड़ मांगा, उसने उसको जोर से धिक्कार दिया। तो भिखारी ने कहा कि भाई, आप जो महाजन जी गुड़ ना दें तो गुड़ जैसा मीठा तो बोल दें। तो हमारी बोली की कोई कीमत नहीं लगती है। अगर हम 2 शब्द भी प्यार से बोलें और बहुत ही मुस्कुरा के बोलें, अपने आप में भी खुशी, औरों को भी खुशी। और टेंशन आप लिखें, टेंशन है क्या, उसमें से ए निकल गया है। अगर टेंशन से ए लगा दें तो क्या होगा? अटेंशन। तो हमारे देखने में, सोचने में, बोलने में, करने में, सब पे अटेंशन होगा। तो जहां अटेंशन होगा वहां टेंशन होगा ही नहीं। टेंशन माना दूसरा, टेन माना 10 और सन माना बच्चे। क्या हमारे पास 10 बच्चों का बोझ है? नहीं है ना, फिर किस बात का टेंशन? तो जब अटेंशन होगा, जैसा कि आपको दिनचर्या के ऊपर अन्य बातों पर भ्राता पीयूष जी ने सुनाया, तो अटेंशन रखेंगे तो निश्चित है कि हमारे पास टेंशन बहुत दूर तक चला जाएगा, 10 कोस दूर होगा, और हम बहुत खुश रहेंगे, खुश नसीब होंगे और सबको खुशी बांटेंगे, क्योंकि हमारी झोली में जो वही तो बांटेंगे ना। तो अगर खुशी होगी तो बांटेंगे। तो हम माउंट आबू का निमंत्रण है एक बार जरूर, क्योंकि वहां तो आप 3 दिन फ्री होके रहेंगे। तो फ्री होने में क्या होगा? दिल से, दिमाग से फ्री होंगे तो बहुत कुछ अनुभूति करेंगे, और अनुभूति वो आपके जीवन की निधि बन जाएगी। ओम शांति।